This is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel. So let's start with the pollination topic today. इससे पहले हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया है. सो अभी हम पॉलिनेशन करेंगे, फिर पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज पॉलिनेशन? एज यूजुअल ये सारी चीज आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन. सो पहली चीज क्या है कि यहाँ पे पोलिन ग्रेन ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. तो ट्रांसफर क्या हो रहा है? पोलिन एंथर से स्टिग्मा तक ऑफ सेम और डिफरेंट फ्लावर. तो एक ही फ्लावर के अंदर एंथर टू स्टिग्मा जाएगा या देयर विल बी टू डिफरेंट फ्लावर्स जिसमें पोलिन विल ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर फ्लावर. सो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पोलिन, पॉलिनेशन इज अ फॉलोइंग टाइप. कि कहां से पोलिन आ रहा है, सेम फ्लावर से आ रहा है, डिफरेंट फ्लावर से आ रहा है, डिफरेंट प्लांट से आ रहा है. ऑन दैट बेसिस पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ से समझ जाएंगे आपकी एक ही प्लांट के अंदर पोलिन का इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा के ऊपर. सो सेल्फ पॉलिनेशन इट इज ऑफ टू टाइप, ऑटोगेमी एंड गेटनोगेमी. दीज आर द टू टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाएंगे तो टेक्स्ट बुक में ये जो तीन पॉलिनेशन जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, ये तीनों को उन्होंने अलग अलग करके दिया है. बट अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते हैं सो सेल्फ पॉलिनेशन में ही ऑटोगेमी एंड गेटनोगेमी आता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन में जेनोगेमी या आप उसे एलोगेमी भी बोल सकते हैं. सो ऑटोगेमी का मतलब होता है देयर शुड बी बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो स्टिग्मा है, सपोज दिस इज द स्टिग्मा, सो जो पोलिन ग्रेन है वो इसी प्लांट का, इसी प्लांट, इसी फ्लावर का इसी स्टिग्मा पे आ रहा है. सेम फ्लावर स्टिग्मा और पोलिन सेम फ्लावर का है, दैट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. नाउ गेटनोगेमी, गेटनोगेमी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए और सेम प्लांट होना चाहिए. सो यहां पे क्या होगा, एक प्लांट होगा, द प्लांट विल बी बाइसेक्सुअल प्लांट. इसमें देयर विल बी अ मेल फ्लावर एंड देयर विल बी अ फ्लावर विच इज रिप्रेजेंटिंग द फीमेल फ्लावर. तो फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल बट प्लांट इज बाइसेक्सुअल, क्योंकि उस प्लांट पे दोनों ही मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट है. क्रॉस पॉलिनेशन, जेनोगेमी और एलोगेमी, डिफरेंट प्लांट्स, मतलब प्लांट ही डिफरेंट है. इन दोनों केसेस में देयर इज सेम प्लांट, रिमेंबर दैट. सेल्फ पॉलिनेशन, यहां पे प्लांट ही डिफरेंट है, दिस इज वन प्लांट और इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज मेल प्लांट मे बी पपाया के केस में एंड दिस इज द फीमेल प्लांट, सेकेंड प्लांट. सो ट्रांसफर हो रहा है यहां से यहां. टू डिफरेंट प्लांट्स आर इन्वॉल्व इन पॉलिनेशन, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन और यू कैन कॉल इट एज जेनोगेमी. सो अभी हम वन बाय वन सब डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं. जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो दो इसमें केसेस हो सकते हैं, या फिर सेम फ्लावर होना चाहिए कि इसी फ्लावर का पोलिन भी है और इसी फ्लावर का स्टिग्मा है, दैट इज इन केस ऑफ ऑटोगेमी. दूसरा केस क्या हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर्स, फ्लावर्स डिफरेंट है बट प्लांट इज सेम, दैट इज गेटनोगेमी. सो दीज आर द टू कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. ऐसे दो कंडीशन को ही आप बोलेंगे कि यस दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन. अब ऑटोगेमी, ऑटो मतलब ही होता है सेल्फ. एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एक ही एंथर सेम फ्लावर के एंथर टू स्टिग्मा जाने वाला है. फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, तो ऑब्वियसली सेम फ्लावर है तो फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना बहुत ही जरूरी है फॉर ऑटोगेमी. तो ये एक ऐसा डिवाइस है विच सपोर्ट्स द ऑटोगेमी प्रोसेस. गेटनोगेमी, गेटनोगेमी पोलिन ऑफ सम वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. सेम प्लांट में एक फ्लावर का पोलिन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे. प्लांट शुड बी बाइसेक्सुअल, जो प्लांट है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए. बाइसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल, तो प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए बट फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल, फ्लावर कैन बी यूनिसेक्सुअल.
जेनेटिकली अब हमने इसको सेल्फ पॉलिनेशन में क्यों डाला है, जेनेटिकली इक्विवेलेंट टू सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्या है इसको हमें सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी किसने बोला है, बिकॉज ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है एक ही प्लांट का, और ये भी फ्लावर्स डिफरेंट है बट दे बिलोंग टू, जेनेटिकली दे बिलोंग टू द सेम प्लांट, दैट इज व्हाई इट इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ पॉलिनेशन। बट फ्लावर में इस फ्लावर से यहां इस फ्लावर तक पॉलिन ग्रेन्स को लाने के लिए वो खुद से नहीं आएंगे, लाने के लिए यू नीड अ पॉलिनेटर। हियर इन दिस केस नो पॉलिनेटर, ऑटोगेमी के केस में नो पॉलिनेटर्स आर इन्वॉल्व, नो पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स नहीं भी होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हियर यू नीड पॉलिनेटर बिकॉज इट इज टू डिफरेंट फ्लावर्स वी आर ट्रांसफरिंग, ट्रांसफर ऑफ पोलिन इज टेकिंग प्लेस। तो अगर हम देखें गेटोगेमी जो है सेल्फ पॉलिनेशन को इसीलिए सिमिलैरिटी शो कर रहा है बिकॉज यहां पे जो जीन्स है इट इज ऑन द सेम प्लांट, वेयर एज फंक्शनली इट इज इक्विवेलेंट टू द क्रॉस पॉलिनेशन एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर इन्वॉल्व। तो अगर हम देखें जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन को बिलोंग करता है इक्विवेलेंट सेल्फ पॉलिनेशन के, लेकिन फंक्शनली क्योंकि यहां पे पॉलिनेटर्स इन्वॉल्व है दैट इज व्हाई हम कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हैं दैट इट बिलोंग्स टू क्रॉस पॉलिनेशन जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिनेटर्स, अदरवाइज इट इज सेल्फ पॉलिनेशन ओनली। अब ये मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया है। सेल्फ पॉलिनेशन दो होते हैं, ऑटोगेमी गेटनोगेमी। इसमें एक ही चीज आपको याद रखनी है कि एंटर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और एंटर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं कि इसके मैरिट्स एंड डीमैरिट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि इस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा है या क्रॉस पॉलिनेशन अच्छा है। ये क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो बेटर है या सेल्फ पॉलिनेशन। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स डिस्कस, पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन के मैरिट्स के बारे में बात करते हैं। सो मैरिट्स में सबसे पहले आता है जो फ्लावर्स है जो प्लांट है उनको ऐसे कोई भी डिवाइसेस डेवलप करने की जरूरत नहीं है जिससे उन्हें पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना पड़े। सो नो नीड ऑफ डेवलपिंग डिवाइसेस टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। सो प्लांट का ये वाला जो स्ट्रेस है वो कम हो गया, फ्लावर को कोई जरूरत नहीं है कि बहुत अट्रैक्टिव होने की, बहुत ज्यादा नेक्टर होने की। सो दिस इज द फर्स्ट मैरिट ऑफ इट। द नेक्स्ट वन इज नो नीड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ पोलिन ग्रेन। आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि जो विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, वॉटर के थ्रू पॉलिनेशन जिनका हो रहा है, सो वहां पे क्या होता है दे नीड टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पोलिन ग्रेन्स। सो उसके कंपैरिजन में दे डोंट हैव टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पोलिन ग्रेन। देन नेक्स्ट इज कि यहां पे एश्योरेंस है कि यू विल गेट अ सीड सेट चाहे एनवायरमेंट कुछ भी हो, क्योंकि उस फ्लावर के पास खुद का एंथर है, खुद का पोलिन ग्रेन है। सो देयर इज अ एश्योरेंस सीड से कि सीड बनेगा ही बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो उसका एश्योरेंस हो जाता है कि पॉलिनेटर हो या नो ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन इज दैट प्योरिटी ऑफ जेनरेशन is maintained. Suppose if you have chosen a very superior plant, आपने बहुत अच्छा एक plant लिया है या आप कहीं से लेके आए हैं, तो इसका assurance है कि जो भी next generation आएगी वो
जो पेरेंट प्लांट है उसी से रिलेटेड होंगे उनके सारे जीन्स. देयर विल बी नो हाइब्रिडाइजेशन. वो प्योरिटी. सो प्योरिटी ऑफ जनरेशन ऑफ दैट प्लांट विल बी मेंटेन. द प्लांट जो आपने कुछ स्पेशल क्वालिटी देख के लेके आए थे, दैट पेरेंट प्लांट. नाउ व्हेन देयर विल बी सेल्फ पॉलिनेशन, देयर विल बी अ सीड, देन देयर विल बी अनदर जेनरेशन. वो जेनरेशन के पास प्योरिटी होगी सारे कैरेक्टर्स की जो उनके पेरेंट प्लांट के कैरेक्टर्स में थे. सो दैट इज द प्योरिटी ऑफ जनरेशन इज मेंटेन. देयर विल बी नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स इन शॉर्ट. नेक्स्ट वन इज सुपीरियोरिटी ऑफ जेनरेशन इज मेंटेन्ड. कि जो भी सुपीरियर क्वालिटीज है उस जेनरेशन की वो मेंटेन रहेगी. सेम चीज है. वन कि प्योरिटी मेंटेन रहेगी. आप चाहे कैसा भी प्लांट ला रहे हो, नेक्स्ट जेनरेशन में भी सेम कैरेक्टर्स होंगे. सो इफ यू हैव ब्रॉट अ सुपीरियर प्लांट, एक बहुत अच्छी सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट लेके आओ, तो इसकी एश्योरेंस है कि इसमें कोई मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होंगे. आपको सुपीरियर ही सीड सेट्स मिलेंगे और आपको सुपीरियर ही नेक्स्ट जनरेशन मिलेगा. एक और है, इट इज रिलेटेड टू पोलिन ग्रेन ओनली. देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पोलिन ग्रेन. पोलिन ग्रेन लिमिटेड अमाउंट में थोड़े पोलिन बनेंगे तो भी काम चल जाएगा. इसमें वेस्टेज नहीं होता है, जो कि यहाँ पे भी लिखा है ना, डू नॉट हैव टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पोलिन ग्रेन. तो ज्यादा पोलिन ग्रेन नहीं बनेंगे तो वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है. बहुत कम डिस्टेंस उनको मूव करना होता है. दैट इज वाई देयर विल बी नो वेस्टेज और ज्यादा बनते भी नहीं है. सो दीज आर द मैरिट्स. किससे पॉलिनेशन में क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, वो चीज को ध्यान में रख के हमें कंपेयर करना है विच इज बेटर, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन. तो अभी मैंने आपको मैरिट्स बता दिया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डीमैरिट. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, द नेक्स्ट वन इज डीमैरिट. अब सेल्फ पॉलिनेशन के डीमैरिट्स क्या हो सकते हैं. डीमैरिट्स आर नो न्यू ट्रेड्स आर इंट्रोड्यूस्ड. जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, एक ही प्लांट के अंदर बैक टू बैक पॉलिनेशन चल रहा है, सो कोई नया कैरेक्टर नहीं आएगा. सो देयर विल बी नो न्यू कैरेक्टर, नो न्यू ट्रेड्स आर इंट्रोड्यूस्ड. इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन वेरिएबिलिटी एंड अडैप्टेबिलिटी टू चेंजिंग एनवायरमेंट. तो जो भी चेंजिंग एनवायरमेंट है उसके लिए इनकी जो वेरिएबिलिटी है और अडैप्टेबिलिटी है, क्योंकि कोई नया ट्रेट इनमें इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो जैसे पहले थे दैट दे आर नॉट गोइंग टू अडैप्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, क्योंकि चेंज नहीं है. एंड चेंज नहीं आएगा तो अडैप्टेशन कैसे आएगी. तो इसी वजह से इनका जो चेंजिंग एनवायरमेंट होता है उसमें एडेप्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है. नेक्स्ट इज डिजीज रेजिस्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम. सो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से, जो डिजीज रेजिस्टेंस होता है प्लांट का, नेचुरल जो होता है, वो भी डिक्रीज होने लगेगा. सो कोई ट्रेड इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, उसकी वजह से वेरिएबिलिटी अडैप्टेबिलिटी नहीं आएगी. एंड जो डिजीज रेजिस्टेंट है वो भी टाइम के टाइम टू टाइम डिक्रीज होता जाएगा. एंड इट रिजल्ट्स इन वीकर प्रोजेनी, वीकर सीड्स, वीकर प्लांट. आप देख रहे हैं सारी चीजें जो ये सब है, ये प्लांट को वीक करता जाएगा. जैसे जैसे प्लांट की जनरेशन बढ़ती जा रही है, डिजीज रेजिस्टेंट उनका जो पावर होता है, डिजीज रेजिस्टेंट पावर जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है. जो प्रोजेनी होंगे वो वीकर होने लगेंगे, सीड वीक होगा अल्टीमेटली प्लांट. तो
सो एक जनरेशन ऐसे आएगी जिसमें सारे बैड कैरेक्टर्स ही होंगे, जितने भी नए जो भी इनके पेरेंटल कैरेक्टर थे वो धीरे 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 सुपीरियर कैरेक्टर्स विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि वेरिएबिलिटी नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। और इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, कि अगर जैसे जैसे सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इन ब्रीडिंग होगा, तो उसकी वजह से जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी तो अच्छे कैरेक्टर के साथ बुरे कैरेक्टर्स भी बढ़ते हैं। बट एक जनरेशन ऐसी आएगी जिसमें सारे डिप्राइव्ड कैरेक्टर्स होंगे, सारे बुरे कैरेक्टर्स ही होंगे, दैट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। सो दीज आर द डी मैरिट्स। नाउ इन टूडेज लेक्चर व्हाट वी हैड टॉट कि पॉलिनेशन जो होता है वो दो टाइप का हो गया, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी गेटनोगेमी, यहाँ पे क्या है, जेनेटिकली प्लांट सिमिलर होना चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट डिफरेंट होना चाहिए। देन मैंने आपको बताया सेल्फ पॉलिनेशन में इन दोनों के डिटेल्स बताए, एंड देन आई टॉट यू अबाउट द डीमेरिट्स एंड मेरिट्स। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट द कॉन्ट्रीवेंसेस, मतलब कि ऐसे कौन से डिवाइसेस होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को सपोर्ट करते हैं। सो दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम्स। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड बी सेफ।